हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं और मौके पे मैं मौजूद हूं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुझे एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो मैंने सोचा कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। तो मैंने गूगल पर सर्च किया था, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक बेस्ट हॉस्पिटल में से एक है, सस्ती सुंदर टिकाऊ, आप देख सकते हैं SGPGI नवीन OPD भवन। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हॉस्पिटल ये नाम की सरकारी है, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं सारी 5-star है एकदम। मैं आपको अंदर का भी सीन दिखाऊंगा अभी, बहुत ही मतलब एकदम बेहतरीन हॉस्पिटल जिसको कह सकते हैं, सारी सुविधाएं एकदम 5-star वाली है। आपको मैं अंदर भी ले चलता हूँ अभी, बस चलते रहिए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं 250 रुपये इन्होंने चार्ज लिया है, लेकिन सुविधाएं बहुत ही भयंकर है, 250 रुपये इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हम अब चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, 3rd floor यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे कितनी भीड़ है, लेकिन फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी हैं, लोग लगे रहते हैं लाइन में और सभी लोग अपना इलाज करा के वापस जाते हैं। तो ये है SGPGI लखनऊ, जैसे आप देख सकते हैं SGPGI यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ये शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हम पहुँच चुके हैं, अब आगे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स हो, हम लोग को अपॉइंटमेंट मिल जाए तो हम शायद जल्दी फ्री हो। साफ शब्दों में लिखा हुआ है जेब कतरे से साफ है, यहाँ पे इसका मतलब जेब कतरे मौजूद रहते हैं। मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो गया हूँ और आप सभी देख सकते हैं इन्होंने मुझे 114 नंबर दिया है, 114। तो अंदाज़ा आपको होगा यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। आज थोड़ा सा मुझे ट्रिम करा लेना चाहिए, शाम तक करा लेता हूँ। तो 114 नंबर दिया है मुझे, 114 नंबर दिया। पूछा कब तक आ जाएगा, तो कह रहे हैं कि पॉसिबल है 2 बजे तक आ जाएगा। रियली मतलब अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, मुझे 2 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन मिल गया है, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा 1 महीने बाद है, तो तब तक देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं ठीक तो हो जाऊँगा, उन्होंने कहा है। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने देखा कि मैं डॉक्टर साहब से मिल चुका हूँ और मेरा प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने लिख के दे दिया है, तो उन्होंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरे को 25 तारीख के लिए दिया है, तो तब तक मैं ठीक हो जाऊँगा। और मैं लखनऊ आया हूँ तो मुझे थोड़ा सैर सपाटा भी कर ही लेना चाहिए। तो आप अपना साथ इसी तरह बनाए रखें, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो हॉस्पिटल काफ़ी बहुत बेहतरीन है, मतलब 5-star होटल जैसा हॉस्पिटल है। और कह सकते हैं कि थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ा, लेकिन
जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना ही पड़ता है, मुझे, मैं 9 बजे आया था सुबह, तो अभी मुझे 2:30 पे मुझे डॉक्टर मिले। तो अगर इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं इतनी सिंपल कॉस्ट पे, इतनी सस्ती कॉस्ट पे, तो मतलब अगर इतना ज़्यादा टाइम लग ही गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो जहाँ तक कि होटल हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है, और मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लखनऊ के नज़दीक रहते हैं तो कोई भी, मतलब अगर आपको कोई डिसीज़ है तो ज़रूर इसमें दिखाएं, ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। और जहाँ तक है, बहुत ही पोलाइट बिहेवियर है पूरे स्टाफ का, सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही अच्छी जॉब निभा रहे हैं अपनी, सभी लोग मतलब अपना अपना योगदान सभी लोग दे रहे हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को मैं थोड़ा सा लखनऊ घुमाऊंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सैर सपाटा कर लिया जाए। तो आप इसी तरह बने रहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।